अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन 100% हो जाए, तो आप स्मार्टी जोन ऐप के थ्रू यहाँ पे अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेस्ट कोर्सेज मिलने वाले हैं जो कि क्वालिफाइड फैकल्टी के द्वारा आपको मिलेंगे। यहाँ पे बैंकिंग, SSC, CHSL और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, UP की गवर्नमेंट एग्जाम हो गए, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के आपको कोर्सेज मिलने वाली है। तो आपको सिंपली इसके लिए स्मार्टी जोन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको स्टोर के सेक्शन में जाना है। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उस गवर्नमेंट जॉब का नाम आपको सर्च करना है। यहाँ पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट आपको दोनों मिल जाएंगे, साथ ही कुछ फ्री कंटेंट भी आपको मिलेंगे और कोर्सेज के ऊपर आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% हो जाए, तो आप जरूर से हमारा कोर्स ज्वाइन करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इग्नू रिक्रूटमेंट 2020 की सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इग्नू की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि इसकी ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो 56,100 तक यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें जो है वो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए, जैसे कि आपका जो फॉर्म फिलअप है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है, और पेमेंट करने का भी जो लास्ट डेट है वो भी 31 दिसंबर 2020 रखा गया है। फीस की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और SC ST EWS OBC NCL फीमेल और PWD कैंडिडेट के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी जो है वो रखी गई। साथ ही यहाँ पे आपका जो हॉल टिकट है यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आएगा 11 जनवरी 2021 में। उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 24 जनवरी 2021 रखा गया है, और आपका जो एग्ज़ामिनेशन का ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। टाइमिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हो, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपको मेंशन किया गया है, 9 बजे से लेके आपका एग्ज़ाम होगा 12 बजे तक, और यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वो आपके एडमिट कार्ड पे ही आपको देखने को मिलेगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके ही आप एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। बात करते हैं यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है जिसमें कि यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, यहाँ के पे आपका पे स्केल रहेगा 56,100 से लेके 1,77,500 तक। यहाँ पे आपकी एज लिमिट 42 साल मैक्सिमम रखी गई है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पे एज में छूट भी मिलेगा। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी 21 निकाली गई है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मास्टर डिग्री मांगा गया है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी पे स्केल सेम रहेगा, यहाँ पे भी आपकी एज लिमिट सेम रहेगी, वैकेंसी एक ही निकाली गई है। डिग्री आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी मास्टर डिग्री मांगी गई है, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा और भी एलिजिबिलिटी इसमें रखी गई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो सिक्योरिटी ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए जिसमें कि एक ही वैकेंसी निकाली गई है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की, तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो रिटन टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 200 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपके 200 रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका एक रिटन टेस्ट होने वाला है और यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका जो है वो 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपके कंपोनेंट ऑफ रिटन टेस्ट है वो देख सकते हो। टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज रहेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे। यहाँ पे जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 50 रहेगा। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आपके रहेंगे जिसमें कि 150 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 200 रहेंगे और टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट रहेगा। इसमें आपका जो है वो निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, 0.25% यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग रखा गया है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप डिटेल में सिलेबस देख सकते हो, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको डिटेल में सिलेबस जो है वो मेंशन किया गया। जैसे कि टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज़ की जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटरव्यू में आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको यहाँ पे जांचा जाएगा, आपके जो एक्टिविटीज़ रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेंगे, नॉलेज रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे आपसे जो है वो पूछा जाएगा इंटरव्यू में।
उसके बाद बात कर लेते हैं जो आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर है उसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 3 घंटे का टाइम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 200 रहेंगे, और यहाँ पर भी आपका इंटरव्यू होगा, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। कंपोनेंट्स ऑफ रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका टेस्ट ऑफ जनरल स्टडी रहेगा, साथ ही यहाँ पे प्रोफेशनल रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे टेस्ट ऑफ जनरल स्टडीज़ में 50, मैक्सिमम मार्क्स भी 50 रहेंगे, प्रोफेशनल जो आपका है वो 150 का रहेगा, 150 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे यहाँ पे, और नंबर ऑफ टोटल जो क्वेश्चन है वो 200 रहेंगे, 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट जो है वो होने वाला है। सिलेबस आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हो, आपकी जो सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है उसमें क्या आपके सिलेबस रहेंगे, साथ ही यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25% का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। डिटेल सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या आपके टॉपिक्स पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या टॉपिक्स रहेंगे, जनरल अवेयरनेस में क्या टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कौन कौन से टॉपिक से रहेंगे वो आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप जनरल इंग्लिश देख सकते हो, सामान्य हिंदी भी आपके रहेंगे, और साथ ही यहाँ पे जो आपकी प्रोफेशनल है उसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में जो है वो आपके जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है वो सब यहाँ पे देखी जाएगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पर्सनैलिटी आपकी कैसी है वगैरह वगैरह यहाँ पे आपका रहेगा इंटरव्यू में, जो कि आपका इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद हमें बात कर लेते हैं कि जो आपका सेंटर रहेगा वो कौन कौन से सिटी में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका सेंटर कौन कौन सी सिटी में रहेगा वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, आप इस लिस्ट को देख सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट में नाम दिए गए कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर रहने वाला है, तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे रहेगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो इसमें अप्लाई कर पाएँ, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।